चलिए तो दो चार टॉपिक डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस करना, छोटे छोटे से हैं। क्या क्या डिस्कस करना है हमने? क्लाइमेट चेंज कर लेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी कर लेंगे, फर्टिलाइजर कर लेंगे और इरिगेशन। बस ये चार टॉपिक है, इससे ज्यादा नहीं कुछ बात करेंगे, ठीक है? इससे ज्यादा अगर आपको लगता है तो आज आप लोग मुझे बढ़ा देना, कुछ डिस्कस कर लेना आप लोग, ठीक है? यस, चलिए। एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज, कल हमने इसकी थोड़ी सी बात की थी। एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज बोथ आर अफेक्टिंग ईच अदर एडवर्सली। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? ये जो लोग बैठे हैं जितने, आप लोगों का ज्यादा एसी किसको चाहिए, फ्रिज किसको चाहिए, है ना? तो ये जितना सारा क्या कर रहे हैं हम, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो टॉक्सिक मटेरियल है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, रिजल्ट क्या कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। किस वजह से? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, प्लस कंट्रीब्यूशन बाय एग्रीकल्चर। तो एक तो एग्रीकल्चर है जो ये क्लाइमेट चेंज कर रहा है, दूसरा क्लाइमेट चेंज है जो एग्रीकल्चर को इंपैक्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट कर रहे हैं और एडवर्सली कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अराइजेस कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट क्या होना चाहिए? यहां सब कुछ लिखा है, यहां से दिख रहा है आपको तो अच्छी बात है, या कोई टेलीस्कोप ले लीजिए, बाइनोकुलर ले लीजिए, वैसे बता सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, डिस्कस करने से होगा। क्या क्या आपको लगता है? वेरी गुड इवनिंग। तो क्या क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर? कैसे बोलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर वो नहीं समझ में आ रहा है उसको और इजी कर देता हूं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट क्या है, बस वो बोलिए, मैं लिखूंगा यहां पे, आज आप लोग पढ़ाएंगे मुझे। क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं ओवरऑल जनरल? नंबर वन, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, हम उसको कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बाकी राइज इन वाटर लेवल। कौन सा, यहाँ पे जो वाटर टैंक है उसमें वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है, कौन सा? सी लेवल, सी लेवल, सी लेवल कह देंगे बस, है ना? वाटर लेवल के कंफ्यूजन हो सकती है कि हमारे स्विमिंग पूल का तो हुआ नहीं तो कैसे हो जाएगा, तो सी लेवल राइज कर रहा है। और सीजन वेरिएबिलिटी, कैसे? गर्मी में सर्दी का एहसास होता है या सर्दी में गर्मी का एहसास होता है? गर्मी में तो गर्मी लगती है यार, अब कैसे कहोगे इसको सीजन, मतलब ऐसे नहीं, गर्मी लेट ज्यादा हो रही है। अच्छा, लेट हो रही है, तो वेरिएशंस हो रही है सीजन में, ऐसे कहेंगे वेरिएशंस, ठीक है? अच्छा, वेरिएशन इन सीजन। अच्छा, और क्या हो रहा है? मॉनसून पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। मॉनसून पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है?